हाय एवरीवन, आपका स्वागत है अपने गर्मी डबल ए में। मैं आपका गोविंद सर। आइए हम लोग बढ़ते हैं अगली क्लास की तरफ। पिछली क्लास में हमने आपको एवरेज पर कुछ बेसिक बेसिक सी बातें चर्चा की थी, आज हम लोग उसी में आगे की तरफ बढ़ते हैं। लास्ट टाइम हमने आपको कुछ बताया था कि अगर किसी भी श्रेणी में एक समान वृद्धि या कमी होती है तो उसका जो औसत होता है किस प्रकार निकाल सकते हैं। देखिएगा, हम क्या बताए थे पिछली क्लास में, हमने बताया था कि किसी भी श्रेणी में एक समान कमी या वृद्धि हो तो उनका औसत इस प्रकार निकालेंगे। उसके लिए हमने आपको फार्मूला बताया था, एवरेज बराबर एक बेसिक सा फार्मूला a+l/2। ए क्या था? तो ए हमने बताया था कि प्रथम श्रेणी का पहला अंक होगा, l जो है अंतिम संख्या थी, ये जो है पहली संख्या थी, और ए क्या था? अंतिम था। ठीक है, जैसा कि एक सवाल भी हमने आपके सामने डिस्कस किया था, 1, 2, 3, 4, 6, 7। अगर इसका हमें एवरेज निकालना हो तो फर्स्ट और लास्ट करेंगे और 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारा एवरेज निकल के क्या हो जाएगा, आ जाएगा। ठीक है, फिर एक चीज़ हमने और भी बताई थी कि अगर दी गई श्रेणी में संख्याओं का या जो दी गई श्रेणी है अगर वो इवेन है या ऑड है, मतलब सम संख्या रहेगा, तो उनके बीच के 2 अंकों को जोड़कर 2 से भाग करेंगे तो औसत निकल के आएगा। दी गई श्रेणी अगर विषम संख्या होगी तो उसका बीच वाला जो नंबर होगा वही औसत होगा। जैसे कि यहाँ पर है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, अर्थात ये विषम संख्याओं की एक श्रेणी है। इस विषम संख्याओं की श्रेणी में जो बीच वाली संख्या है वही क्या है? औसत है। अब आप चाहो तो इसको इस नियम से लगा लो, सामान्य नियम से लगा लो, औसत बराबर राशियों का 1/2 राशियों की संख्या, या बेसिक सा कॉन्सेप्ट है कि भाई अगर दी गई श्रेणी विषम है तो बीच वाली संख्या, अगर सम है तो 2 संख्याओं को आपस में जोड़िए और 2 से क्या कर दीजिए, भाग कर दीजिए। इतना क्लियर है? चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब प्रश्न बनता कैसे देखिएगा, कभी कभी कहता है ना कि प्रश्न जैसे दे देगा कि एक श्रेणी है ABCD, कुछ भी है, कुछ संख्याएं दी गई हैं उनका औसत ज्ञात करिए, या कभी कभी कहेगा कि कुछ संख्याओं का औसत इतना है तो उनकी संख्याओं का योग ज्ञात करिए। तो बेसिक सा फार्मूला यही है हमारा, एवरेज बराबर सम ऑफ डिजिट नंबर, यानी आसान शब्दों में कहें तो औसत बराबर औसत यहाँ राशियों का योग है और ये राशियों की क्या है? संख्या है। ठीक, अगर हमसे सम पूछ दे, राशियों का क्या पूछ दे? योग पूछ दे, राशियों के योग, राशियों का योग, राशियों की संख्या। अब हमसे क्या पूछ दे, हमसे पूछ दे कि भाई राशियों का योग क्या होगा, तो राशियों के योग, अब हम जानते हैं कि औसत बराबर एक सामान्य सा फार्मूला है, औसत बराबर राशियों का 1/2 राशियों की संख्या। अगर हमसे योग ही पूछ दे तो हम क्या करेंगे, तो हम करेंगे औसत गुणे राशियों की संख्या बराबर क्या आएगा, राशियों का योग। समझ में आया? हमने बताया कि एवरेज बराबर डिजिट ऑफ सम अपॉन नंबर ऑफ डिजिट, राशियों का 1/2 राशियों की संख्या। अगर हमसे पूरे औसत दे दे, संख्या और राशियों की संख्या दे दे, हमसे योग पूछ ले, तो औसत गुणे राशियों की संख्या करेंगे तो योग निकल के आएगा। अगर आपसे क्या कह दे, औसत दे दे, राशियों का योग दे दे और संख्या पूछ ले, तो औसत को यहाँ कर देंगे नंबर के स्थान पर और नंबर को उठा कर वहाँ पर। सिंपल सी कैलकुलेशन आपको तो आती ही होगी, बस इतना याद रखिएगा कि कभी कभी प्रश्न इस टाइप से भी बन जाता है, औसत दे देता है, राशियों की संख्या दे देता है और राशियों का योग हमसे पूछ लेता है, तो हमको लगा कि हमें इस चीज़ को आपको पता देनी चाहिए। ठीक है, अब इस तो बेसिक सा फार्मूला है। ठीक है,
अगर हम बात कर लें कि भाई प्राकृतिक संख्याओं का योग, क्या कर लें, प्राकृतिक संख्याओं का योग या प्राकृतिक संख्याओं का औसत, तब क्या होगा? जैसा कि प्राकृतिक संख्याओं का औसत, भाई प्राकृतिक संख्याओं का औसत क्या होता है? तो प्राकृतिक संख्या कहते किसे हैं जिसकी गिनती दो से, एक से शुरू होती है, 1 2 3 4 डॉट 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 एन तक जाती है। इसके लिए सिंपल सा नियम है, एवरेज बराबर क्या भाई, फर्स्ट और लास्ट अपॉन टू, पहली संख्या और अंतिम संख्या बटे दो कर देते हैं, तो हमारा एवरेज तो आ जाता है, एवरेज तो आ गया। लेकिन अब हमसे नंबर पूछ दे कि प्राकृतिक संख्याओं का योग ज्ञात करिए, तो योग के लिए हमने क्या बताया, राशियों की संख्या बटे, सॉरी, राशियों की संख्या गुणे औसत, तो औसत का मान तो हमें आ गया। अब हम प्राकृतिक संख्याओं की योग, सॉरी, प्राकृतिक संख्याओं का औसत तो हमें आ गया, अब प्राकृतिक संख्याओं की संख्या हम कैसे काउंट करेंगे? तो भाई अनंत तक जा रहे हैं ना, इन्फाइनाइट यानी एन तक काउंट कर रहे हैं, तो राशियों की जो संख्या होगी वह भी क्या होगी, एन होगी, एन होगी ना, यानी यह एवरेज आ गया। ये जो चीज़ हमने लिखी है इसको अगर हम साथ में लिखें तो लिख सकते हैं एवरेज इक्वल, सॉरी, एवरेज इनटू नंबर ऑफ डिजिट इक्वल टू सम, सम मतलब राशियों का योग। यह एवरेज है, यह राशियों की संख्या है और यह राशियों का क्या है, योग है, योग है ना, यानी इसे हम क्या लिख सकते हैं, सीधा करके लिख दें, SUM बराबर सम, सम ऑफ डिजिट, सम ऑफ डिजिट इक्वल टू एवरेज, इक्वल टू एवरेज इनटू नंबर ऑफ डिजिट, यानी UMDER नंबर ऑफ डिजिट। कहने का मतलब अगर राशियों का योग हमसे पूछ ले तो औसत में राशियों की संख्या से क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे, आ जाएगा क्लियर। तो जो हमारी प्राकृतिक संख्याओं का औसत है, तो प्राकृतिक संख्याओं का औसत प्रथम संख्या अंतिम संख्या बटे दो कर दिया, तो इनका योग क्या होगा, प्राकृतिक संख्याओं का योग हमसे पूछा है ना, तो प्राकृतिक संख्याओं का योग के लिए हम क्या करेंगे भाई, प्राकृतिक संख्याओं का योग कैसे करेंगे? तो प्राकृतिक संख्याओं के योग के लिए अब हम जानते हैं, प्राकृतिक संख्याओं का योग अगर हमसे पूछा है, इसको हटा दें, इधर ही कर लेते हैं, प्राकृतिक संख्याओं का, एक मिनट, संख्याओं का योग, योग मतलब सम हमसे पूछ रहा है। अब प्राकृतिक संख्याओं का योग बराबर क्या होता है, एवरेज इनटू नंबर ऑफ डिजिट, तो एवरेज क्या है, प्राकृतिक संख्याओं का औसत क्या है, 1 प्लस n अपॉन 2 और इनटू, इनटू मतलब नंबर ऑफ डिजिट, प्राकृतिक संख्याओं की संख्या, तो प्राकृतिक संख्याओं की संख्या क्या है, इनटू n है, तो 1 प्लस n अपॉन 2 इनटू n, यह क्या हो जाएगा, प्राकृतिक संख्याओं का योग, प्राकृतिक संख्याओं का क्या हो जाएगा, योग हो जाएगा, क्लियर। प्राकृतिक संख्याओं का औसत 1 प्लस n अपॉन 2, प्राकृतिक संख्याओं का योग 1 प्लस n अपॉन 2 इंटू एन, क्लियर। ऐसा तो क्वेश्चन बन सकता है ना कि भाई 1 से 50 तक संख्याओं का, प्राकृतिक संख्याओं का औसत इतना है, तो 1 से 50 तक प्राकृतिक संख्याओं का योग ज्ञात करिए, तो 1 से 50 तक प्राकृतिक संख्याओं का अगर औसत दे देगा योग आपसे पूछेगा, आसानी से आप कर लेंगे, क्लियर। चलिए जैसा कि हम एक सवाल आपके सामने जस्ट ऐसा ही रखते हैं, एकदम इसी पर हटाएं, इसको बना लीजिएगा स्क्रीन शॉट। देखिए एक प्रश्न लगाते हैं इसी पर ताकि चीजें आसानी से आपको समझ में आ जाए। जैसे कि हम कह देते हैं कि 1 से लेकर 100 तक प्राकृतिक संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए, या 1 से 100 तक प्राकृतिक संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए। प्रश्न है 1 2 3 4 डॉट 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 100,
भी संख्याओं का व योग ज्ञात कीजिए। अब इसका औसत के लिए, एवरेज के लिए फार्मूला वही है, फर्स्ट और लास्ट बाई टू, फर्स्ट और लास्ट बाई टू करेंगे तो कितना हो जाएगा, 51 नहीं 50.5। अगर सम की बात करेंगे तब क्या होता है, एवरेज इनटू नंबर ऑफ डिजिट। एवरेज कितना है, एवरेज कितना है, एवरेज है 50.5। नंबर ऑफ डिजिट कितना है, नंबर ऑफ डिजिट 100 है। आंसर कितना आएगा, 50 50। नंबर ऑफ डिजिट कितना है भाई, 100। तो जब नंबर ऑफ डिजिट 100 है तो कितना आंसर आएगा, 50 50। यानी योग की बात करेंगे तो योग आएगा आपका 50 50। औसत की बात करेंगे, औसत कितना आएगा भाई, 50.5। क्लियर, समझ में आया। चलिए अब बढ़ते हैं अगले नियम की तरफ, ठीक है। तो ऐसे बेसिक बेसिक से फार्मूले बनेंगे, ये तो सिंपल सा प्रश्न था, कुछ तो बेसिक बेसिक से नियम को हम लोग सीख लेते हैं, फिर आगे की बातों की चर्चा करते हैं, ठीक है। कुछ फार्मूले हैं जिसको हम आपको बता दें, फिर हम लोग सवालों की तरफ बढ़ेंगे। लगभग 100 से 150 क्वेश्चन को किया जाएगा। चलिए, जैसे प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग, लिखते जाइएगा प्राकृतिक संख्याओं के, प्राकृतिक प्राकृतिक संख्याओं के, संख्याओं के वर्गों का योग। अब प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग हो गया, तो प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का औसत भी तो होगा। प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग हो सकता है तो प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का औसत भी तो हो सकता है। इसे आप नोट पॉइंट करके रखिएगा। ठीक है, तो भाई प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग क्या होता है, n n प्लस वन, 2n+2 अपॉन 6, n n प्लस वन, 1 मिनट, n 2n+1/6, ये तो हो गया वर्गों का योग। क्या है, योग। अब बात करेंगे औसत की, तो औसत में n से क्या कर देंगे, भाग कर देंगे, तो n तो कैंसिल आउट हो जाएगा, तो बचेगा n 2n+1/6। यह हो जाएगा औसत और यह हो जाएगा एवरेज। प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग n n प्लस वन इंटू 2n+1/6, प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग औसत, एन प्लस वन 2n+1। क्लियर। चलिए अब कुछ एक आध दो सवाल लगा लेते हैं इसी पर, जैसा कि देखिएगा क्वेश्चन है आपके सामने, प्राकृतिक संख्याओं का योग और प्राकृतिक संख्याओं का औसत रख लेते हैं। वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन का औसत व योग ज्ञात कीजिए। तो बात करेंगे पहले योग की, योग। अब यन क्या है, यन मतलब लास्ट डिजिट है, 7 × 7+1 8 इंटू 7 × 14 = 15, 15 अपॉन 6 अपॉन 6।
टू जा 6, 3 5 जा 15, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, 5 5 जा 20, 20 7 जा 140, 140 क्या आएगा योग। अब बात करें एवरेज की, बात करें औसत की, तो औसत के लिए क्या हो जाएगा यन यानी 7 सॉरी 8 और 15 बाई 6, 2 5 4, एवरेज कितना आ जाएगा 20, औसत कितना आएगा 20, औसत आएगा 20 और योग आएगा 140। उम्मीद है कि सवाल आपको समझ में आया होगा। जैसा कि एक प्रश्न हमने आपके सामने रखा, 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3, 4, 5, 6, 7 का स्क्वायर का औसत हुआ, योग ज्ञात कीजिए। तो हमने फार्मूला भी बताया आपके सामने, प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग बटे प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग, तो होता है n n प्लस 1 इंटू 2 n प्लस 1 अपान 6। प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का औसत, प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का औसत n प्लस 1, 2 n प्लस 1 अपान 6। क्लियर, समझ में आया। चलिए अब बढ़ते हैं अगले फार्मूले की तरफ, हटाए इसको, देखिएगा कुछ छोटे छोटे फार्मूले हैं जिन्हें आप रख सकते हैं, कंठस्थ भी कर सकते हैं, इनकी जरूरत पड़ेगी। अब हम बात करते हैं वर्ग हो गए, तो घनों की बात कर लें। प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योग, प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योग, प्राकृतिक संख्याओं के घनों का औसत, योग और औसत दोनों साथ साथ रखेंगे। फर्स्ट सेकेंड, नहीं, फर्स्ट तो पहले ही हो गया, सेकेंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ, फर्स्ट वाला तो हमारा वही है, औसत बराबर राशियों का योग बटे राशियों की संख्या। अब प्राकृतिक संख्याओं के घनों की बात करेंगे तो यहाँ पर तो वही होगा n n प्लस 1 अपान 2 पूरे का होल वर्ग, n n प्लस 1 अपान 2 पूरे का क्या कर देंगे होल वर्ग, क्या निकल के आएगा प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योग। ठीक है, अब हम बात करेंगे औसत की, किसकी बात करेंगे औसत की। जब हम बात करेंगे औसत की ना, तो औसत में क्या हो जाएगा भाई, प्राकृतिक संख्याओं के घनों का औसत, तो औसत में हम यन से क्या कर देंगे भाग कर देंगे, यानी संख्याओं की राशियों की संख्या से भाग करेंगे ना। तो यहाँ पर यन कितनी बार है, 2 बार है, एक तो यन कट जाएगा यानी यन बाहर हो जाएगा, यन प्लस 1 बाई 2 का होल स्क्वायर, यह क्या हो जाएगा, यह हो जाएगा हमारा घनों का औसत, इसका औसत घनों का औसत। ठीक है, प्राकृतिक संख्याओं के घनों का औसत, क्लियर। चलिए जैसा कि एक सवाल आपके सामने हम रखते हैं, एक दो तीन चार पांच का योग व औसत, योग भी बताना है और क्या बताना है, औसत भी बताना है। ठीक, याद कीजिए, तो योग के लिए यही फार्मूला है। जब योग निकालेंगे यन यन का मान 5 प्लस 6 बाई 2 पूरे का स्क्वायर, 2 1 2 2 3 6 5 3 15 15 का वर्ग 225, योग कितना आएगा, योग आएगा आपका 225। बात करेंगे औसत की, औसत के लिए 5 5 3 का स्क्वायर, 3 3 जा 9 9 5 जा 45, एवरेज कितना आएगा 45, यानी प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योग और घनों का औसत। ठीक है, तो घनों का योग ज्ञात
यानी n n प्लस वन अपॉन टू का पूरे का होल स्क्वायर, योग के लिए औसत के लिए n बाहर, n प्लस टू अपॉन टू सॉरी n प्लस वन अपॉन टू का स्क्वायर। ठीक है, तो हमने एक सिंपल सा एग्जांपल भी आपके सामने रख दिया। चलिए हटाएं इसको, बना लीजिएगा इसके साथ। ठीक, अब बात कर लेते हैं भैया, प्राकृतिक संख्या तो हो गई, क्या इसके अलावा पूर्णांकों की भी बात करेंगे? तो पूर्णांकों के लिए तो आप वही हिस्सा है सिंपल सा, प्रथम और लास्ट, पहली संख्या और अंतिम संख्या का योग बटे दो, उसी से आ जाएगा। भाज्य अभाज्य में भी वही काम करेगा, भाज्य अभाज्य में नहीं, भाज्य अभाज्य में आपको वही राशियों का योग बटे राशियों की संख्या ही करनी पड़ेगी अभाज्य संख्याओं के लिए। ठीक है, अब कुछ सम विषम की चर्चा कर लेते हैं, जहाँ से हमारे वनडे एग्जाम में प्रश्न बनते हैं उसी की हम लोग बात करेंगे। जैसा कि देखिएगा, सम संख्याओं का योग, सम संख्याओं का औसत, फिर से वही चीज रहेगा हमारा, योग और औसत, सम संख्याओं का योग। ठीक, सम संख्याओं का औसत। अब सम संख्याओं का योग क्या होता है, सम संख्याओं का औसत क्या होता है, बात कर लें योग और औसत की। तो सम संख्याओं का योग यानी एन प्लस वन अपान नहीं अपान नहीं इसका होता है एन एन प्लस वन। औसत के लिए तो भाई एन कैंसिल आउट हो जाएगा, एन प्लस वन। अब कुछ एग्जांपल भी देख लेते हैं और चेक भी कर लेते हैं कि भाई बात सही है कि ऐवें ही चल रही है। देखिएगा, जैसा कि 2 4 6 8 10 12 यन हम रखेंगे किसको, जो हमारा अंतिम पद होगा या अंतिम जो राशि होगी वही ना यन होगा। तो यहाँ पर अगर हम बात करेंगे योग की, तो क्या हमारा योग वही होगा, यन यन प्लस वन यही होगा, यानी 12 × 12 13, 13 गुणा कर देंगे 12 × 3 36, 12 × 12 3 15, 156 कितना जाएगा, 156। अगर हम बात करेंगे औसत की, बात करेंगे किसकी, एवरेज की, तो 12 + 1 13 करके देख लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 जोड़ लेते हैं भाई, बीच वाले दो को जोड़ लें, 8 6 14, 14 में 2 से भाग करेंगे औसत 13 आएगा। पदों का योग बटे पदों की संख्या करके देख लेते हैं, 6 4 10, 8 2 10, 10 20, 10 30, 30 10 40, 2 42, 42 में 1 2 3 4 5 6, 6 से भाग करेंगे, पदों का योग बटे पदों की संख्या 2 4 6 8 10, और यहाँ तक रख के देखते हैं, 1 मिनट, 2 4 6 8 10, तो इनका योग कितना होगा करके ही देख लेते हैं, 6 4 10, 8 2 10, 10 30, 30 आना चाहिए। 1 मिनट 1 मिनट, कुछ तो गड़बड़ हो रहा है, यहाँ पर जो यन है ना, ये लास्ट वाला पद नहीं रखना है, यन का मान 1 2 3 4 5 रखना है, जो संख्याओं की संख्या है, राशियों की जो संख्या है उसको करना है, मतलब 1 2 3 4 5 6, ये जो पद था 1 2 3 4 5 6, तो यन का मान किसको रखेंगे, 6 6 + 1 6 × 7, 6 × 7 = 42, इसलिए हम भी कह रहे हैं कि अंतर कैसे हो रहा है, क्लियर। ये क्या आ गया, योग आ गया। अब हम बात करेंगे औसत की, एवरेज की, तो एवरेज के लिए क्या हो जाएगा भाई, 6 1 + 7 कितना आएगा, 7 करके देख लेते हैं, 1 2 3 4 5 6, 8 6 14, 14 में 2 से भाग करेंगे तो कितना ही आएगा, 7 ही आएगा ना, चाहे आप पदों का योग बटे पदों की संख्या से कर लो, चाहे इस नियम से कर लो, क्लियर, समझ में आया। आप किसी भी संख्या को कर सकते हैं, कहीं से भी, सम संख्या की ही बात कर रहा है, आप कुछ भी कर लो,
आप चाहो तो कुछ और रख लो, 22, 24, 26, 28, 30। इसका हम चाहते हैं कि योग निकालें और औसत निकालें, तो 1, 2, 3, 4, 5, 5 प्लस 1, बाहर भी क्या हो जाएगा 5 अर्थात 30। ये क्या आएगा 30 भाई? योग आएगा। क्या आएगा? योग। अब हम बात करें औसत की, किसकी बात करेंगे? औसत की। औसत के लिए क्या हो जाएगा? 5 प्लस 1 इक्वल टू 6। अब 6 का मतलब क्या है? 6 आएगा? नहीं, छठवां पद। क्या आएगा भाई? छठवां पद। ठीक है, ये चीजें आपको समझ में आएंगी बाद में, फिलहाल इतना समझ में आया आपको। 2, 4, 6, 8, 10, 12 का औसत निकालेंगे, यानी सम संख्याओं का औसत, यन यन प्लस वन, सॉरी औसत नहीं, योग, यन यन प्लस वन से योग हो जाएगा। औसत की बात करेंगे तो यन प्लस वन। क्लियर? चलिए हटाएं इसको। देखिएगा ये लास्ट वाला एग्जाम्पल अभी हमने जो मिटाया, हो सकता है आपको समझ में ना आया हो। ऐसा सवाल जब हम लोग एक्सरसाइज करेंगे तो वहां पर आपको जरूर समझ में आएगी। फिलहाल हमारे जो समझाने का जो परिपथ है उसको ध्यान दीजिएगा। अगर सवाल में नहीं समझ में आते हैं तो देखिएगा, हम जब चर्चाएं करेंगे तो वहां पर एकदम क्लियर हो जाएगा। बात कर रहे थे हम लोग सम संख्या की, अब थोड़ा विषम संख्या पर भी बात कर लेते हैं। विषम संख्याओं का, संख्याओं का योग, ठीक। अब विषम संख्या का योग हो गया, तो विषम संख्या का औसत, योग और औसत दोनों साथ साथ चल रहे हैं। विषम संख्याओं का योग, विषम संख्याओं का औसत, योग के लिए एन स्क्वायर, औसत के लिए केवल एन। मतलब ये कि 1, 3, 5, 7, 9, 1, 2, 3, 4, 5, 6, सॉरी 1, 3, 5, 7, 9 का योग और औसत। तो भाई क्या करेंगे? 1, 2, 3, 4, 5, 5 का स्क्वायर करेंगे कितना आएगा? 25। 3, 1, 4, 5, 9, 9, 18, 7, 25। क्लियर? बात करें औसत की, ये तो हमारा योग है, क्या है? योग है। अब अगर औसत की बात करेंगे तो यन, यन का मतलब 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5। औसत हमारा क्या आएगा? 5 आएगा। सर जी समझ में नहीं आया कैसे 5 आ गया? तो भाई उस पर कंफर्म करो ना, औसत 5 ही दिखा रहा है सूत्र से, 5 आ रहा है पदों का योग, सॉरी राशियों का योग बटे राशियों की संख्या। 1, 3, 4, 5, 9, 9, 9, 18, 5, सॉरी 18, 7, 25, राशियों के योग 25, राशियों की संख्या 5, 50, 25, औसत कितना आया? आया 5, वही तो कह रहा है, कितना आएगा? 5 आएगा। क्लियर? समझ में आया? ओके, तो उम्मीद करते हैं कि ये क्लास आपको जरूर समझ में आई होगी। आप ये जो हमने जितने भी आपको फार्मूले हमने बताया, इसको एक बार आप जरूर रिवाइज करिएगा। अगली क्लास में हम कुछ प्रश्नों और कुछ और नियम के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।